अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो आज जो हमारा वीडियो का टॉपिक होगा वो होगा बैम्बू स्टिक्स। ठीक है, जो बांस इस्तेमाल होता है पतंग बनाने में, उसके तीले कैसे बनाते हैं। ऑल्दो मैं काफ़ी इस पे वीडियोस बना चुका हूँ, लेकिन स्टिल आज हम दोबारा इसको एक दफ़ा फिर बनाएंगे। तो ये आप देख सकते हैं मेरे पास काफ़ी सारे बैम्बूज पड़े हुए हैं, और ये जो है ये आधे गुड्डे के हैं, पोना तावा भी कहते हैं जिससे। अब इसकी जो कमान की लेंथ है वो 34 इंच होती है, 34 इंचेस, और जो इसका गज होता है वो 24 इंचेस का होता है। कुछ सामने कटे भी पड़े हैं मेरे पास ऑलरेडी, लेकिन हम अब इनमें से एक पकड़ेंगे भट्टी और हमें नए तीले निकालेंगे इसमें से। अच्छा, तो यार इनमें से एक तीले लेते हैं, उसको फिर काटते हैं, फिर साथ बताता हूं आपको कि किस तरह से इसके तीले निकालते हैं। अब धूप काफ़ी तेज़ है, अब ये फोकस का मुझे समझ नहीं आ रहा इसने किया कि नहीं किया। एनीवेज चले, खैर ये भट्टी है, ये आती इसी तरह से है, मतलब स्प्लिट हुई भी होती है पहले से। और इसकी ख़ास बात ये है कि इसके अंदर कोई वो नहीं होती, जो छोटे जो पीसीज होते हैं ना उनमें कोई गिरा नहीं होती, नोट्स नहीं होती इसमें। बांस को इसको सरांचा बांस कहते हैं, गुड्डों के लिए स्पेसिफिकली यूज़ होता है। पतंगों के लिए जो बांस यूज़ होता है उसको मटिया कहते हैं, ठीक है, बर्मा भी होता है। एक तो मेन पहचान यही है कि भाई इसमें जो गिरा होती है ना इतने साइज़ में, वो कोई गिरा नहीं होती। अगर बड़ी लेंथ हो 10 फुट की, 20 की, तो उसमें काफी फासले पे गिरा होती है इसकी, मतलब नोट्स काफी दूर दूर होती हैं। दूसरी चीज ये है कि यार अगर आप नॉर्मल बांस भी यूज करें, लाल वाला यूज करें, वो जो आम मिल रहा होता है, उसको वो बांस काटते काटते बहुत जोर लगता है, वो इजीली काटा भी नहीं जाता। जिस टाइम काट पीट के आप तीले निकाल लेते हैं उसके, तो उन तीलों में जोर ही नहीं होता। ठीक है, काफी मोटे तीले भी रखे तो तीलों का वजन बढ़ जाता है, लेकिन तीलों में जोर नहीं होता, गुटा बहुत पांपल सा बनता है इसका। ये बारीक तीला भी इसका होगा, लेकिन अच्छा खासा जोर होगा उसके अंदर, इसको काटना भी इजी है काफी, और नॉर्मली मिलता भी नहीं है ये, वैसे बाहर के मुल्कों से इंपोर्ट होता है, क्योंकि पाकिस्तान में तो ग्रोथ इसकी है ही कोई नहीं, यानी लगाते इसको, तो ये बाहर से इंपोर्ट होता है बर्मा वगैरह की साइड से, और इसलिए फिर ये कि यहाँ पे बहुत कम ही मिलता है। पिशावर वाली साइड से पता किया जा सकता है, क्या पता मिल जाए। इसको काटना है ना, तीले निकालने हैं, तो एक तरीका तो ये है कि आप एक साइड से शुरू कर लें, एक साइड से शुरू करें तीले निकालना है इसके। दूसरा तरीका ये है मिड में से स्प्लिट करना शुरू कर दें। अब यहाँ पहले से क्रैक हुआ, मैं कहीं से स्प्लिट करता हूँ। सिंपल, आपने छुरी बसानी अंदर और इस तरह से मोड़नी है इसको, और ये ऐसे स्प्लिट होता जाएगा, और इतनी सी बात है पूरा बांस से स्प्लिट हो गया इस तरह से। सेम यही करना है अगले के साथ भी, इसको बीच में से क्रैक देना है इस तरह से, बीच में रखना है इसको, ठीक है, और ज़मीन पे मारना है एक दो दफ़ा ये, ताकि छुरी अंदर चली जाए इसमें। ये देखें, ये थोड़ी सी छुरी फंस गई है इसमें, इसको इसी तरीके से स्प्लिट करना शुरू कर देना है। अब आटे गुड्डे के लिए ना, ये जो इसकी विड्थ है ये काफ़ी चौड़ी है, मतलब काफ़ी ये मोटा तीला है, तो हम इसकी और पतले तीले करेंगे, इसमें से काफ़ी सारे कमाने निकल सकती हैं। अब इतना जो रह गया इसमें से, मैं 3 तीले निकाल लूँगा, मज़ीद 4 नहीं करूँगा बल्कि 3 निकाल लूँगा, 4 करूँगा तो काफ़ी पतले हो जाएंगे वो। इसी तरह से इसको मज़ीद बीच में से स्प्रेड कर दूँगा, इस तरह से कुछ हमारे पास से तीले आ जाएंगे। ठीक है, ये इतनी विड्थ है, बाद में इनको काटा पीटी करके ये के इस टाइम छीलेंगे तो सही कर देंगे। इसकी भी विड्थ अभी देखा जाए तो उस तरह से काफ़ी ज़्यादा है इस साइड से, तो इसको मज़ीद छोटा किया जा सकता है। ठीक है, थोड़ा बारीक हो गया एक, और बाकी दूसरा ठीक है। तो यार इस तरह से इसको चिराई करके इसकी क्या मज़ीद हमने 4 कमाने निकाल ली हैं। तो ये अगर मैं आपको अंदाज़ा लगा के बताऊं तो एक अच्छी भट्टी में से 16 कमाने निकल आती हैं, 4, 4, 8, 4, 12, 4, 16, इसमें से 8 निकल सकती हैं, ये जो चौड़े वाला पीस है ये, इसमें से 4 निकल सकती हैं, जैसे हमने ये 4 निकाली हैं। ठीक है, तो ये एक भट्टी में से तकरीबन आपकी पतली थोड़ी बारीक भट्टी हो, जैसे कि कुछ इस टाइप की हो, ये थोड़ी बारीक है, इसमें से 12 भी निकल सकती हैं, ये पट्टी है थोड़ी चौड़ी है, इसमें से ज़्यादा भी निकल सकती हैं,
और बाकी मैं दिखा दूँ कि कुछ जो पहले से काट के भी रखे हुए, उसके बाद फिर हम आगे फर्दर जाएंगे। अच्छा, ये जो तीले कटे पड़े हुए ना, ये 32 इंच की कमानों के हैं, ठीक है। यानी कोई छोटा आटा बनाना हो जोर साइज, तो उसके लिए कटे पड़े हुए। इसी तरीके से ये फटियां पड़ी हुई अंदर, ये फटी जो है ये आटे की गज की फटी है, यानी 24 इंच की। तो इसमें से हम गज निकालेंगे। चले यार, अब जरा तीला छीलते हैं। ये इस तरह की ब्लेड कह लो, छुरी कह लो, तीला छीलने के लिए जो इस्तेमाल होती है, ठीक है। अभी अभी मेरा खास मन तेज है कि नहीं, गुजारा कर जाएंगे। और ये लेदर की अंगूठी टाइप जो आप उंगली पे पहनते हैं, ताकि ये तीला छीलते हुए कोई उंगली आपकी खराब ना हो। एक कदी कमान छीलते हैं और ये ठीक है। इसको सबसे पहले तो मैं पूरा ये के साफ कर लूंगा, जो इसके पॉइंटेड एजेस हैं, ठीक है, उनको थोड़ा स्मूथ कर लूंगा चारों कोनों से। इस तरह से कुछ अभी थोड़ा बेहतर है। अब इसमें दो चीजें होती हैं, एक तो ये साइड होती है जो इसकी, जिसको छिलका कहते हैं, यानी बैक साइड। ये मैं तो बता देता हूँ, ये जो साइड है ना, अब ये दो किस्म के साइड्स हैं। एक ये जो है ये कनकेव है, यानी अंदर की तरफ बेंड है, ठीक है। दूसरी कन्वेक्स है, ये बाहर की तरफ जो निकली हुई है। इस तरह से अब ये साइड हमेशा नीचे आती है असूलन जब आप बनाते हैं ना तीला। लेकिन अब जो तीले हमने काटे हैं ना, ये तीले काफी चौड़े थे, तो अब मैं इसको इस साइड को नीचे इस तरह से नहीं बेंड कर सकता। लेकिन हम करेंगे क्या कि इसको एक साइड पे हम रख देंगे, ये तीला हमारा इस तरह से बेंड हो, छिलके वाली साइड जो है ये साइड पे आ जाएगी। दोनों साइडों से अब इसको बारीक करेंगे बराबर करके। और इसके लिए बेहतरीन तरीका ये है कि आप तीला सा नाप के रख ले एक अंदाजे से। अब मैं कि यहाँ से बैंड आना शुरू हो इतने गैप्स, तो मैं नाप के तीला की साइड पे कर लूंगा। अब इसमें हम कभी भी ये छिलके वाली साइड जो है ना, इसको नहीं छीलते, हमेशा हम बाकी तीन साइडों से छीलेंगे, छिलके वाली साइड को नहीं छीलना। क्योंकि अगर ये इसको हमने छील दिया तो अब तीले का दौर खत्म हो जाएगा, तीला खराब हो जाएगा फिर। और साथ साथ चेक करते रहना कि ऐसा ना हो कि हम बहुत ज़्यादा छील दें इसको पकड़ के, ये कुछ इस तरह से। तो दूसरी साइड से छील लेंगे। तब ये जो हमने तीला एक काटा हुआ था, ठीक है, एक एस्टिमेट के लिए इसको यहाँ रखें और यहाँ से इधर से पकड़ लें जिधर तीला आता है, और यहाँ से छीलना शुरू कर दें इस तरह से। अच्छा, इसमें ना एक और स्टेप भी होता है, वो ये कि छिलाई से पहले ना इसको सेक लगवाते हैं, ठीक है। लेकिन वो अब इस पर मैंने किया नहीं है, उसकी रीज़न ये है कि एक तीला छीलना है भी सिर्फ, तो उसके लिए सेक लगवाने की ज़रूरत नहीं है। वो ये कि अगर ज़्यादा तीले हों तो फिर हम उसको ये कि इकट्ठे सेक लगवाते हैं। उससे ये होता है कि तीले में मजबूती आती है, जो इसके अंदर नमी होती है वो खुश्क हो जाती है, लचक आ जाती है, इसके अंदर छिलाई भी आसान हो जाती है। तो ये जी तीला रेडी हो चुका है हमारा। अब इसमें फनकारी ये होती है कि तीला आपका ना साइड से पतंग का नहीं गोल होता, इस तरह से गोल होना चाहिए, वो बैंड इसका इस तरह से गोल हो। उसकी रीज़न ये गुड्डा गोल बनता है, फिर गुड्डे की फिरक अच्छी होती है और वो फिर मसला नहीं करता ऊपर जाके। ये कमान तैयार होगी हमारी बेहतरीन। अब गज के लिए मैं मजीद बांस नहीं काटूंगा, बल्कि ये तीले जो कटे पड़े हैं आपको दिखाए थे पहले, इनमें से कोई निकाल लेता हूँ। ये तीला मैं इसके गज के लिए यूज कर लूंगा, इसको भी ये थोड़ा साफ कर लेता हूँ। गज में ऐसा कोई फनकारी नहीं है, इसको छिलाई करते हैं, बस ये कि हर साइड से बराबर हो ये, कि ऐसा ना हो कि ऊपर से ज़्यादा बारीक हो नीचे से ज़्यादा मोटा हो, ठीक है। तो ये हर साइड से बराबर होना चाहिए। और गज जो बनता है हमेशा ये कमान के हिसाब से बनता है। कमान अगर आपकी बारीक है तो कोशिश करें गज भी बारीक लगाएं, अगर कमान मोटी है तो गज भी थोड़ा जानदार उसके हिसाब से, जो उसका वजन बर्दाश्त कर सके। तो ये गज भी रेडी है हमारा, हमारे गुड्डे के तीले तैयार हो गए। तो खैर, ये थी आज की वीडियो, जो गुड्डा आप इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में बनाएंगे, ठीक है। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, और जो भी अगर आपके क्वेश्चंस कमेंट्स वगैरह तो वो आप नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, ठीक है। अल्लाह हाफिज़।